क्षेत्र में इंद्र देवता की मेहरबानी के बाद भी आखिर सेगावा का किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है। आदिवासी सेवा सहकारी संस्था सेगावा में हजारों किसानों के लिए मात्र 500 बैग DPA खाद आया है, जिसमें 200 बैग रसगांव और 300 बैग का किसानों को वितरण किया गया, जबकि रसगांव और सेगांव में किसानों की संख्या 1000 के आसपास है, जिसके पास 500 बैग खाद ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इसी को लेकर आज किसानों ने कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मंडलोई और नवनिर्वाचित जनपद सदस्य ओम पाटीदार की उपस्थिति में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था में पर्याप्त मात्रा में खाद देने की मांग की, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर समय पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में DPA खाद उपलब्ध नहीं हो पाया और इफको खाद की कमी को दूर नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। से गाँव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या खाद को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी सोसाइटी में बहुत सारे रसगांव के किसान, महिला और पुरुष सब इकट्ठे हुए, पर्याप्त मात्रा में शासन से द्वारा मिल नहीं रहा, मतलब किसानों का आज आवश्यकता है, बारिश होने से किसानों का आज तत्काल खाद की जरूरत है और शासन से खाद बराबर पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है। और 2 बोरी अगर किसानों को दिया जाता है खाद तो इससे किसान को कुछ भी नहीं होता है, जबकि बाजार में खाद DAP खाद उपलब्ध है। यहाँ पर जो सोसाइटी है, जैसे केली में 1 महीने से खाद दिया है, भटवाली में 1 महीने से खाद दिया है, तलकपुरा में भी नहीं खाद DAP मिला है, तो शासन से हम यह आग्रह करते हैं कि खाद की व्यवस्था तत्काल कराई जाए, क्योंकि आज बारिश पर्याप्त, 2 साल से सूखा था और इस वर्ष पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई है, तो किसानों को आज खाद की बहुत तत्काल आवश्यकता है। साथ ही शासन से निवेदन भी है कि पोटास खाद का जो 1700 रुपये रेट किया है उसको आधा किया जाए, यही हमारा निवेदन है। खाद की व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो भविष्य में हम किसानों के साथ यहाँ धरना आंदोलन करेंगे, उसके जवाबदार शासन रहेगा। क्या नाम लिखते हैं? राहुल सिंह वर्ल्डी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।